भाजपा गुरु नानक मंडल बेटमा के पदाधिकारियों के द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के विवादित बयान पर उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर बेटमा थाने पर जाकर ज्ञापन दिया गया है। इस अवसर पर मुख्य रूप से पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष धर्मवीर सिंह चौहान, बब्बी दरबार और साथ ही में भाजपा नगर अध्यक्ष शशि जायसवाल और मंडल अध्यक्ष मलखान सिंह पवार, उपाध्यक्ष गणेश परमार, सतीश चौहान सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। हम आपको बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ द्वारा अपने विधायकों और पार्टी के पदाधिकारियों को प्रदेश में आग लगाए जाने के दिए गए निर्देश से व्याप्त भय और कोरोना को भारतीय स्वरूप कहकर भारत का अपमान करने पर इंदौर जिले के बेटमा गुरु नानक मंडल के अंतर्गत आने वाले बेटमा थाने में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कमलनाथ पर प्रकरण दर्ज करने के लिए ज्ञापन दिया गया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी द्वारा 22 तारीख को उज्जैन में वर्चुअल के कार्यक्रम में बहुत ही देश के प्रति अभद्र टिप्पणी करी है उनने, जो कि देश को इंडियन कोरोना से संबोधित धन भी किया है। मतलब ये भारत के सम्मानित सभी नागरिकों को भी ठेस पहुँचाई है और ऐसी अभद्रता से जो उनने कोरोना को लेकर विषय इस पर बात करी है वर्चुअल, तो उससे निश्चित रूप से समाज में ये गलत संदेश जा रहा है और इसमें हम उसी के खिलाफ़ उनके खिलाफ़ आज आवेदन थाना में दिया है। हम उनके खिलाफ़ कड़ी से कड़ी कार्रवाई चाहते हैं, जो देश में ऐसे अभद्र भाषण या कोई भी जानकारी ना दे। मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी के द्वारा जो 22 मई को उज्जैन में वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और कांग्रेस के विधायकों को उन्होंने बोला कि आग लगाने का कार्य किया जाए और लोगों को भड़काने का कार्य किया जाए, ऐसी उनकी भाषा शैली, और ये भाषा शैली कांग्रेस की भाषा शैली हमेशा ही रही है, क्योंकि वो 1984 के दंगे के मास्टरमाइंड भी रहे कमलनाथ जी, जिसको कि मुख्यमंत्री जी जब शपथ ली थी जब भी उनका ये मामला उछला था, और कमलनाथ जी के द्वारा और कांग्रेस के प्रत्येक विधायक और जो इंदौर में आसपास के विधायक या प्रदेश के विधायक या अन्य जगह इनके जो कार्यकर्ता, उन्होंने भड़काने का और यही कार्य किया पूरे समय और सरकार को बदनाम करने का कार्य किया। और वो जो कह रहे हैं इनके प्रदेश अध्यक्ष जी कह रहे हैं कमलनाथ जी की और इनके कार्यकर्ता बोल रहे हैं कि झूठे आंकड़े पेश कर रहे हैं, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ उनसे कि क्या राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है तो वहाँ पर क्या वो आंकड़े, वहाँ की सरकार के आंकड़े इन्होंने बताए क्या, छत्तीसगढ़ की सरकार के बताए क्या, महाराष्ट्र की सरकार के ये आंकड़े बता रहे हैं जो मध्य प्रदेश में ये झूठी बातें करके और जिनके परिजन मन शांत हुए कोरोना महामारी में, उसमें मोदी जी की सरकार ने, मध्य प्रदेश की शिवराज जी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने नगर परिषद ग्राम पंचायत से लगा के जिला लेवल तक प्रदेश तक सभी ने कांग्रेस के लोगों को भी कार्यकर्ताओं को भी जो है क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी बनाकर और उनको साथ में रखकर सब मिलजुल कर कार्य करने का शिवराज जी ने प्रयास किया, लेकिन ये कांग्रेस के लोग होते ही ऐसे और शुरू से ही ऐसे रहे ये, इसलिए इन लोगों ने उसको साथ में लेकर इस प्रदेश की महामारी को में साथ देना तो ठीक, बल्कि सरकार को बदनाम करने का कार्य किया इन लोगों ने। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि इनके परिवार में कोई मौतें नहीं हुई क्या, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के परिवार में क्या दूसरे अन्य लोगों में हुई क्या, मौतें सभी दूर हुई, मौत कोई भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस चुन कर नहीं आती, मौत सभी के यहाँ हुई है और उसमें सरकार ने अधिक से अधिक प्रयास किया है और मध्य प्रदेश सरकार ने तो बहुत सराहनीय कार्य किया, जो अपने हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर से, शासकीय हेलीकॉप्टर से इनसे रेमडेसिविर इंजेक्टर उनकी व्यवस्था करके पूरे प्रदेश में और कोरोना के मरीजों की जान बचाई और साथ में 1,00,000 रुपये की जो शिवराज जी ने परिजनों को सांत्वना देने के लिए जो घोषणा की, उसके लिए मैं शिवराज जी का आभार व्यक्त करता हूँ। और ये कांग्रेस के जो कमलनाथ जी ने जो वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से अपने पत्रकार वार्ता में इसमें जो भी उन्होंने बयान दिए, ये देशद्रोह के कोरोना को जो चाइना का कोरोना इंडियन वायरस करने के इन्होंने झूठा प्रयास किया, इनके राहुल गांधी जी से सोनिया गांधी जी लगा कमलनाथ जी तक पूरा ये एक ही गिरोह है ये, और इन लोगों के खिलाफ कमलनाथ जी के खिलाफ मैं तो शासन प्रशासन से मांग करता हूँ कि इन पे देशद्रोह की धाराएं लगना चाहिए, जो एक आतंकवादी पर लगती है वो धाराएं इनके ऊपर लगना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद। जय ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।